गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशिकांत है और मैं इसरो में एज साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया एक डाउट क्लिनिक सेशन, ठीक है, जिसमें पूरे कंट्री से स्टूडेंट्स मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट्स पूछ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मैथ्स का क्वेश्चन है और डाउट नंबर 3 है। ये कोटा से एक स्टूडेंट ने पूछा है, मोशन क्लासेस कोटा से पूछा गया है डाउट। और क्वेश्चन है प्रूव दैट, एक प्रूविंग का क्वेश्चन मिला हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एक बहुत 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 रिस्पेक्टेड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाई एस एल लोनी। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक कैच है, आओ देखते हैं क्या ट्विस्ट है इसके अंदर। तो ये डाउट नंबर 3 है जो पूछा है, एक मोशन क्लासेस कोटा के स्टूडेंट ने पूछा है। डाउट का सोर्स क्या है? तो डाउट का सोर्स है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एस एल लोनी। ये उन्हें असाइनमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चंस मिले सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 चल रहा है उनका अभी, तो सभी स्टूडेंट्स जो कोटा में नहीं है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स में तुम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एस एल लोनी सॉल्व कर सकते हो, जो कोटा का एक स्टैंडर्ड असाइनमेंट सेट होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 21 क्वेश्चन 27 है। एग्जाम्पल 5 का मतलब क्या हुआ? जैसे तुम्हारे बुक में एक्सरसाइज होता है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, वैसे ही एस एल लोनी में एक्सरसाइज के जगह एग्जाम्पल्स होते हैं। एक्सरसाइज 5 की जगह यहाँ पे एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तुम समझ सकते हो एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 27 है, ये पेज नंबर 21 अरिहंत पब्लिकेशन के स्पेसिफिक है। ये खास बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ नोट करना, इट इज़ फ्रॉम द वर्जन अरिहंत पब्लिकेशन ने जो पब्लिश किया है ये उस वर्जन का है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देता है बुक के अंदर, प्रूव दैट sin³a - cos³a इज इक्वल टू sin²a - cos² है, होल मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2 sin²a cos² है। अब हुआ क्या कि एक स्टूडेंट है, उसने इस क्वेश्चन में बहुत अटेम्प्ट्स लिए हैं, बहुत बार ट्राई किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बार बार क्वेश्चन किसी एक स्टेप में आगे फंस जा रहा था। तो फिर उसने मुझसे पूछा, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा हो इस क्वेश्चन के अंदर। एक खास बात ध्यान रखना, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक्स तो बुक बहुत ही अच्छी होंगी। अरिहंत पब्लिकेशन के सारे टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे बुक्स हैं। बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम 2-3 अटेम्प्ट के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो एक बार कभी ना कभी क्वेश्चन के बारे में भी डाउट कर लेना कि क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। क्वेश्चन को वेरीफाई करके देख लो या फिर अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ लेना। 3-4 अटेम्प्ट से ज़्यादा एक क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट मत करना, बेटर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करना, क्योंकि इस टेक्स्ट बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अरिहंत पब्लिकेशन में मिसप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बुक्स बहुत अच्छे हैं, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ बुक्स खराब है, बुक्स बहुत अच्छे हैं, बट मिसप्रिंटिंग होती है। तो वेरीफाई करने के लिए बेस्ट क्या है हमारे पास तरीका, कि जब प्रूविंग का क्वेश्चन है वेरीफाई करना है तो हम लोग एक ही जगह पर एक वैल्यू पुट करते हैं और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जो 0 डिग्री 90 डिग्री उसको अवॉइड करना, 30 डिग्री पुट करके देखो 30 से क्या होता है, 180 को भी अवॉइड करो, 30 को पुट करके देखो क्या होता है 30 को पुट करने से। अगर 30 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर साइन ए की वैल्यू 30 पुट कर दे, एक ही जगह 30 पुट कर दे, साइन 30 कितना हो जाएगा पता है? वैल्यू कितना होता है साइन 30 का? हाफ, एंड cos 30 √3/2, ये तो पता ही होगा। आओ अब देखते हैं एलएचएस में इसको पुट करके क्या बनता है। अगर एलएचएस में पुट करते हैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या बनेगा, हाफ का क्यूब साइन ए का क्यूब मतलब हाफ का क्यूब माइनस कॉस ए का क्यूब मतलब √3/2 का क्यूब। ये क्या बन गया, हाफ का क्यूब हो गया 1/8, √3 का क्यूब बन जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये आ गया एक इरेशनल नंबर, यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग, ये एलएचएस हो गया, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, इरेशनल नंबर आ चुका है हमारे पास। आरएचएस को देखते हैं, आरएचएस में क्या है दिया हुआ, एक सेकेंड, आरएचएस में क्या दिया हुआ एक बार ज़रा देख लेते हैं। आरएचएस में आया हमारे पास sin²a - cos² है, मतलब sin² का मतलब हाफ का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, अच्छी बात है, मल्टीप्लाइड बाई
1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, मतलब हाफ का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, मतलब √3/2 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सेकेंड टर्म में क्या बन रहा है, 1 माइनस 2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर जो कि 1/4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है। यहाँ पे कोई √3 का टर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? √3 तो कहीं से आने वाला है नहीं सॉल्व करने के बाद भी। तो ये एक रैशनल नंबर आ रहा है, राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या समझ आया हम लोगों को सॉल्व करके, वेरीफाई करके बेसिकली? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है, और ये गलत प्रिंटेड सिर्फ और सिर्फ अरिहंत पब्लिकेशन के वर्जन में। इससे पुरानी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, जो मीर पब्लिकेशन से आती है या CBS पब्लिकेशन से आती है, उनमें ये मिस्टेक नहीं है। ये अरिहंत पब्लिकेशन के वर्जन में मिस्टेक आई है, ठीक है? तो इसके परेशान मत होना तुम लोग। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लो, एक्चुअल क्वेश्चन क्या दिखाई देगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन, करेक्टेड क्वेश्चन जो है वो है, प्रूव दैट साइन टू द पावर 8a माइनस कॉस रेज टू द पावर 8a, कहने का मतलब साइन ए रेज टू द पावर 8 माइनस कॉस ए रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होल मल्टीप्लाइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व कर लो। कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। तुम लोग 10th पास करके 11th में हो तो बहुत इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना? इन केस प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए हिंट दे देता हूँ तुम्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। हिंट के लिए तुम्हें बस बेसिकली ये करना है, यहाँ साइन रेज टू पावर 8 है माइनस कॉस रेज टू पावर 8 है, ठीक है? इसका मतलब इवन पावर्स है। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, सही है ना? तो साइन रेज टू पावर 8, साइन ए रेज टू पावर 8 है माइनस कॉस ए रेज टू पावर 8 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4, साइन ए टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है? ये पहला स्टेप लेकर के आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, एक पोर्शन तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा इसका। मान लो साइन टू पावर 4 ए माइनस कॉस टू पावर 4 है, फिर से वही काम हो जाएगा यहाँ पर, ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं साइन टू पावर 4 ए प्लस कॉस टू पावर 4 ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रहा होगा, हाँ? क्योंकि ये ए स्क्वायर है, मतलब साइन टू पावर 4 ए किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है। ए जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर ए पुट करेंगे, और बी जो हम लोग सेकेंड टर्म पुट करना चाहते हैं वो कॉस स्क्वायर ए पुट करेंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अगले स्टेप में बस ये बच जाएगा, साइन टू पावर 4 ए प्लस कॉस टू पावर 4 ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। इसके आगे का स्टेप समझ में आ रहा है, बहुत ईजी स्टेप है, करना आना चाहिए तुम्हें। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आके फंसा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग पुट कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये पुट कर देना, तो ये बन जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी। ए बी ए क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस, साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए बी है, ये बन जाएगा टू टाइम्स साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बस इस वाले टर्म को हमने एक्सपेंड किया है। सेकेंड टर्म तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड में, सेकेंड टर्म इज मल्टीप्लाइड में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर।
सही है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। होल मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। एक सेकंड में इसको इरेज करके फिर से कर लेता हूँ थोड़ा बेटर तरीके से। आज गले की हालत खराब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को 1 पुट कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ये फर्स्ट टर्म है, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या वही था, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बस इतना ही, कोई डाउट अगर किसी को रहता है फर्दर तो वो पूछ सकता है। ओके, चैट पे कमेंट पे कहीं भी लिख देना, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स।